व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, डेढ़ घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की, कहा हम इस दशक में नई साझेदारी को हैं तैयार। मोदी बाइडेन के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बाइडेन बोले अफगानिस्तान से भले अमेरिकी सेनाएं लौटी लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, अफगानिस्तान में श्रम और पूंजी के साथ बहुत कुछ निवेश किया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया भारत आने का निमंत्रण, कहा भारत आपका स्वागत करने को है तैयार। इससे पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी न्योता दिया था। पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात में कहा, भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक, दोनों देशों का लोकतंत्र और परंपराएं पूरी दुनिया के लिए मिसाल। बाइडेन से मुलाकात में बोले पीएम मोदी, इस दशक में टैलेंट का अलग महत्व है, अमेरिका के विकास में भारत के टैलेंट की अहम भूमिका, व्यापार में दोनों देश एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है और सबसे पहले द्विपक्षीय बातचीत हुई। द्विपक्षीय बातचीत में कई मुद्दों को लेकर बात हुई जिसमें साफ तौर पर आतंकवाद का मुद्दा बहुत अहम रहा। इसके अलावा अफगानिस्तान को लेकर जिक्र हुआ, साथ ही साथ किस तरह से दोनों देश मिलकर एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं ताकि दोनों ही देश आगे बढ़ पाए और जो तमाम दिक्कतें हैं खास करके हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको दूर किया जाए। चीन का दबदबा जैसे इन तमाम क्षेत्रों में बढ़ रहा है उसको रोकने को लेकर इस बैठक में बहुत अहम चर्चा हुई है क्योंकि क्वाड का गठन ही चीन को लेकर हुआ था। और चलिए एक बार फिर से फटाफट अंदाज में कुछ और जरूरी खबरें आपको दिखा देते हैं। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ। मोदी बोले महात्मा गांधी कहते थे हम इस प्लैनेट के ट्रस्टी हैं, हमें इसकी रक्षा करनी है। बाइडेन ने कहा हमें महात्मा गांधी के मूल्यों को भूलना नहीं चाहिए। पीएम मोदी से मुलाकात में जो बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों को हल कर सकते हैं, मैंने 15 साल पहले कहा था भारत यूएस करीबी दोस्त हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 40 लाख भारतीय अमेरिका को कर रहे हैं मजबूत, लोगों से लोगों का संपर्क अहम है। 2014 और 2016 में मोदी से मुलाकात में अमेरिका संबंधों को लेकर उनका विजन देखा था। पीएम मोदी से जो बाइडेन ने अपने मुंबई दौरे का भी जिक्र किया। बाइडेन बोले मैं आपको काफी समय से जानता हूं, मुझे खुशी है आप व्हाइट हाउस आए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान भारतीय मीडिया की भी तारीफ की, कहा अमेरिकी प्रेस की तुलना में भारतीय मीडिया करती है बहुत अच्छा व्यवहार। व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन के बीच दिखी शानदार केमिस्ट्री, बाइडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पीएम मोदी ने आभार व्यक्त किया। भारत में बाइडेन के वंशजों के दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया जिसमें कहा जो बाइडेन के साथ मुलाकात अच्छी रही, वैश्विक मुद्दों पर बाइडेन का नेतृत्व सराहनीय, कोरोना और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हम मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक का वक्त एक घंटे निर्धारित था लेकिन डेढ़ घंटे तक ये बैठक चली और बाइडेन ने अगली बार की बैठक का वक्त दो दिन से ज्यादा निर्धारित करने की इच्छा जाहिर की। मोदी बाइडेन की मुलाकात से पहले व्हाइट हाउस के बाहर दिखा जबरदस्त जोश, पारंपरिक भारतीय नृत्य करते दिखे लोग, मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। अमेरिका में पीएम मोदी ने साथी क्वाड नेताओं को दिए खास तोहफे, कमला हैरिस को उनके दादा पीवी गोपालन से जुड़े नोटिफिकेशन भेंट किए। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को जहाज का शिल्प दिया तो जापान के पीएम को चंदन से बनी बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की बैठक हुई, दो घंटे से ज्यादा वक्त तक ये बैठक चली। पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशीहिदे सुगा भी शामिल हुए। क्वाड की बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत पूरी दुनिया में शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की है जरूरत, वैक्सीन की सप्लाई चेन के लिए भारत की तारीफ की। क्वाड की बैठक में बोले मोदी कोरोना के खिलाफ लड़ाई है जारी,
मुझे विश्वास है कि क्वाड ग्रुप विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी का चीनी ऐप्स पर कड़ा रुख। सूत्रों के मुताबिक क्लीन ऐप मूवमेंट को धार देने पर जोर दिया। इस पहल का क्वाड के दूसरे देशों ने स्वागत किया। क्वाड देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम चार बड़े लोकतांत्रिक देश, हमारे बीच सहयोग का लंबा इतिहास, हम जानते हैं कैसे हासिल किया जाता है लक्ष्य। क्वाड देशों की बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन बोले, हम चारों देश एक ऐसे वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो आजादी देती है, हमारा खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भरोसा। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई आज से औपचारिक जांच शुरू कर सकती है। कल सीबीआई ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में एफआईआर दर्ज की। सीबीआई फॉरेंसिक टीम की मदद से क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों और गवाहों से पूछताछ भी करेगी। महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस के बीच प्रयागराज के एक वकील ने बीपी न्यूज को दिखाया वसीयतनामा। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बाघंबरी पीठ के वारिस के तौर पर बलवीर गिरी के नाम का जिक्र है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।